हाँ दीदी, ये तो मिल गया दीदी। हाँ, अब इसको क्या करेंगे दीदी? ये लो भैया, हम चूल्हे में से आग जला के और चढ़ाए के अरे कितना, कितना टाइम तक उबालेंगे दीदी? ए मैं भैया पांचवा भाग बच जाए तैसे उबाल। अभी है आग जला, हम भैया चूल्हे में आग जला के। हाँ दीदी। और फिर ये घड़ा लेंगे मराए के और पकाबो। एला भैया ऐसे के चूल्हा मरा था। हाँ दीदी, इसको कितना टाइम तक उबालेंगे दीदी? ये भैया या जैसे पानी ऊपर दिखते ना। हाँ। तो पानी नीचे हो जाएगी तो फिर पांचों भाग बच जाएगी भैया, पता चल जाते हम। देखो भैया या। हाँ दीदी। या वो पत्ती से नीचे हो गया पानी। अच्छा पांचवा भाग बच गया दीदी, माने पत्ती से नीचे हो गया पानी। पांचवा भाग बच गए। पांचवा भाग बच गए दीदी ना। हाँ। अच्छा ठीक है दीदी, अब इसको कैसे करेंगे दीदी? ये लो उतार वो भैया। ये लो उतार वो ना। हाँ। ठीक। ये लो भैया ऐसे उतार। अच्छा उतार के इसको उतार लिए दीदी ने। हाँ। अब इसको उतारने के बाद क्या करेंगे दीदी? एक खरबूजा भैया ऐसे करके खट से बांध दें। खट से बांध दें। हाँ, हाँ दीदी इसको तो बांध दे दीदी। इसको सड़ने के लिए कितना दिन लगता है दीदी? या भैया 24 घंटा में सड़ जाए। अच्छा सड़ने के बाद क्या करेंगे दीदी इसको? अमेला फिर निकाल के भैया। हाँ दीदी। और छान के और इस तरह पंप में डाल के और फिर अपन फसल में डाल दो। हाँ दीदी, 24 घंटा में सड़ने के बाद है दीदी, इसको कैसे करके उपयोग करोगे भैया? 100 मिलीलीटर दवाई में 5 लीटर पानी मिला के घोल बना के सिंचाई कर दो स्प्रे पंप से। अच्छा इसको छान लेंगे 100 मिलीलीटर। हाँ। और 5 लीटर पानी मिलाएंगे दीदी। हाँ। और इसके बाद स्प्रे पंप में सिंचाई करेंगे। हाँ भैया। अच्छा 100 मिलीलीटर ही दवा डालना है 5 लीटर पानी में दीदी? हाँ भैया। हाँ दीदी अच्छी बात है दीदी। 24 घंटा सड़ने के बाद दीदी इसको कब कब सींचेंगे हम? एला भैया शाम टाइम सींचबो। शाम टाइम सींचबो दीदी? हाँ। अबे दोपहर के दिन में कहे सींचन दीदी? दोपहर के भैया धूप बढ़ता है। अच्छा धूप बढ़ जाते है दीदी? हाँ। तो कीड़ा जो है तो इथी उथी आ जाता है। अच्छा धूप के कारण जो कीड़ा है तो इथी उथी छिप जाता है, पत्तियों में छिप जाते हैं, नीचे धरती में चले जाते हैं, इसलिए दोपहर के नहीं सींचे जाए दीदी ना। हम शाम के छींचे जाते दीदी ने। हाँ शाम के छींचे ताकि ठंडा या शीतल में माने कीड़ा निकल के पौधे में आता है। हाँ। तो समय छींचे इसको ना। हाँ भैया। हाँ बहुत अच्छी बात बताए दीदी आप, इसको सींचने की भी बहुत अच्छी उपाय बताए, बहुत असरदार है तो दीदी। कौन कौन सी फसल में हम डाल सकते हैं दीदी? या भैया अपन फसल का माथन। हाँ दीदी। टमाटर लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं, मिर्ची के बाद फिर और धान वान जो भी फसल का माथन भैया। अच्छा, डाल सकते हैं। अच्छा सभी फसल में डाल सकते हैं दीदी ना? भैया सब फसल में उपयोग ला सकते हैं। घड़े में 5 लीटर गौमूत्र डालकर सभी पिसी हुई सामग्री को उसमें डाल दें। डालने के बाद उसे इतना उबालें कि पांचवा भाग बच जाए। इसके पश्चात घड़े के मुंह पर पॉलीथीन बांधकर उसे 24 घंटे के लिए रख दें।